हेलो दोस्तों, आज हम लोग लेके आ चुके हैं एक बहुत ज्यादा बेहतरीन वीडियो, जो वीडियो आपको हेल्प कर सकता है बहुत सारे वे पे। क्यों? क्योंकि आज के दिन में एक्चुअली लोगों को पता ही नहीं है कि एनालिस्ट और कोच के बीच में डिफरेंस क्या है। क्योंकि जब भी मैं बात करता हूँ तभी कहते अरे वो तो एनालिस्ट या कुछ तो होगा, लेकिन वो क्या होगा और दोनों का अलग अलग काम क्या है, दोनों का रोल अलग क्यों रहता है। ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं जिधर एनालिस्ट भी रहते हैं, कोच भी रहते हैं, और वो क्यों रहते हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो है वो हम लोग आज क्लियर करने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, एज अ अंडरडॉग टीम आपको कौन सी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है आज के टाइम में, तो ये सब कुछ लेके आज का ये वीडियो होने वाला है। तो जरूर हमारे साथ बने रहिए, बिना किसी देरी से चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो पे सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि एनालिसिस क्या होता है और कोचिंग क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एनालिसिस को लेके। एनालिसिस वो होता है जो आपके गेम को समझना होता है, आप किधर से रोटेट कर रहे हो, क्या आपका सोच रहता है यूजुअली, क्या आप दो गोली चलाते हो या फिर चार गोली। आई नो ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है, बट कभी कभार बहुत हाई लेवल पे जाके ये सब चीजें भी जो है वो देखा जाता है, ये सब चीजें भी सोचा जाता है कि क्या आप जो मूव करके खेलते हो क्या आपका जिगल बहुत स्ट्रांग है या फिर आप सीधी एक लाइन। देखिए दो तरीके के गेम होते हैं, एक होता है एकदम राइट साइड में जाते जाते रहना और दूसरा होता है कि जिगल करते करते मारना। और अभी के टाइम में जिगल बहुत लोग करते हैं और बहुत लोगों को जरूरत नहीं होता। तो ये जरूरत नहीं होता मैं तब बोल रहा हूँ जब वो मिड रेंज फाइट ले रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों को जो है वो एक एनालिसिस पार्ट पे आ जाता है। नॉट ओनली दैट, इधर फ्लाइट पाथ किधर से जाएगा तो किधर लास्ट जोन बनेगा, पहला सर्कल किधर बन रहा है तो उसके बाद फ्लाइट पाथ किधर से किधर तक का हो सकता है, और उसी के साथ साथ जो बाकी के टीम्स हैं उनका ड्रॉप लोकेशन वाइज क्या हो सकता है उनका रोटेशन, एंड ओपोनेंट जो है वो आपके ऊपर किस थॉट प्रोसेस के साथ आते हैं, क्या उनका फॉर्मेशन रहता है, 2 और 2 में वो डिवाइड होके खेलते हैं, 3 और 1 में डिवाइड होके खेलते हैं या फिर चारों अलग डिवाइड होके खेलते हैं। ये सारे चीज़ें जो है वो एक एनालिसिस पार्ट जो है वो हो जाता है और एक एनालिस्ट आपको वो सारे इन्फॉर्मेशन देते हैं। जो सेकंड थिंग है, वर्ड इज कोचिंग। कोचिंग होता है कि आपको मेंटली प्रिपेयर करना, आपको फिजिकली प्रिपेयर करना, एंड उसी के साथ साथ आपको स्किलफुली भी प्रिपेयर करना। अगर आप कोई भी एक पर्टिकुलर जगह पे बहुत ज़्यादा लैक कर रहे हो, मानो कि आपके जो लाइक स्किल सेट हो गए या फिर आपका जिगल नहीं हो रहा, जिगल करते करते शॉट कनेक्ट नहीं हो रहे, स्नाइपिंग आप कर नहीं पा रहे हो, दूर पे स्प्रे कनेक्ट नहीं हो रहा, आपको जो मेनली ड्रिल्स देते हैं वो कोच होता है। जो आपको मेनली जब आप बहुत ज़्यादा लो फील करते हो, आपके कोई दोस्त या फिर थेरेपिस्ट के अलावा जो सबसे ज़्यादा आपको मेहनत करवाता है या फिर जो सबसे ज़्यादा आपके साथ मेहनत करता है वो आपका कोच होता है। और उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें इधर मेनली सिचुएशन की, तो मुझे लगता है कि एक कोच बहुत इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग में भी। एनालिस्ट तो ऑब्वियसली है ही, बट कोच भी है, क्योंकि कोच आपको उस टाइम पे रह के अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं जिसको आप मद्देनजर रखते हुए अपने खेल को आगे बढ़ाते हो। तो अभी बात आता है कि आप एज अ अंडरडॉग कौन सी चीज को सबसे पहले आप लोगे, क्योंकि वी नो वी कैन अंडरस्टैंड लाइक आप एक अच्छे कोच को पे नहीं कर सकते या फिर एक अच्छे एनालिस्ट को पे नहीं कर सकते या फिर दोनों को एक साथ अफोर्ड नहीं कर सकते। ये हम मानते हैं हो सकता है ऐसी चीज़ें, क्योंकि जो अंडरडॉग है वो अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे जगहों पे ऐसा सिचुएशन होता है जिधर आप अपने आप को खुद को प्रूव नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपके साथ जो टीम्स खेलते हैं वो टीम्स हो सकते हैं कि कोचिंग ले रहे हो, एनालिस्ट ले रहे हो। देखिए आज के टाइम में जिस तरीके से, जिस लेवल पे, जिस स्पीड पे इधर कंपटीशन बढ़ रहा है बीजीएमआई के अंदर, चाहे वो कोई भी गेम हो, मैं तो जस्ट बीजीएमआई के बारे में बात कर रहा हूँ, वो हर जगह पे आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आपको बाकी 1000 टीमों से आगे रखता है। आज के टाइम में जो जो टीम के पास कोचेज है, जो जो टीम के पास एनालिस्ट है, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे हजारों टीमों से आगे हैं। स्किल्स तो है ही, देखिए आज के टाइम में स्किल्स जो है वो बहुत लोगों के पास है, लेकिन वो स्किल्स के साथ वो जो एक्स्ट्रा फैक्टर्स है, आपका माइंडसेट, गेम सेंस, ये सब कुछ जो है वो आपको लेता है, और छोटा सा लक भी। चलिए वो लक के बारे में तो कुछ कर नहीं सकते ज़्यादा, लेकिन जिसके बारे में कर सकते हैं आपके प्रिपरेशन के बारे में, तो उसके बारे में बात करें। मुझे लगता है कि एज अ अंडरडॉग आपको चाहिए एक कोच एनालिस्ट से भी अलावा, क्योंकि एज अ अंडरडॉग आप बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट पे खेलोगे जिधर आपको पता भी नहीं होगा कि आपके जो ओपोनेंट्स हैं वो कर क्या रहे हैं या फिर क्या करने वाले हैं, उनका ड्रॉप लोकेशन क्या है, किधर से वो रोटेट करते हैं। तो उस जगह पे एनालिस्ट का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो साइड हट जाता है। अगर आप ऑलरेडी टियर 1 लॉबी पे हो तो एनालिस्ट मुझे लगता है बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कोच से भी। बट मैं इधर इस वीडियो के अंदर बात कर रहा हूँ
आप लोगों की जो लोग आगे चल के सुपरस्टार्स बनना चाहते हैं, बट अभी वो तैयारी शुरू है, वो तैयारी शुरुआत हुआ है। तो स्टार्टिंग के लिए मैं आपको कहूंगा कि अगर आपको कोचिंग लेना है तो कोचिंग की तरफ बढ़िए, वो ज़्यादा आपको फ़ायदा देके जा सकता है, क्योंकि कोच आपको ड्रिल्स देंगे, कोच आपको देंगे वो सारी चीज़ें, मेंटल स्ट्रेंथ, सोच, थॉट प्रोसेस, ये सब क्या होना चाहिए एक गेम के अंदर, वो सब कुछ। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मेंटलिटी सबसे बड़ा चीज़ हो जाता है कोई भी ऐसे गेम के अंदर जिधर 100-100 टीमों में से सिर्फ एक ही टीम क्वालिफाई करता है, उधर मेंटलिटी, स्किल्स, वो सब कुछ बहुत ज़रूरी है, और ड्रिल्स भी जो कि आपको कोच प्रोवाइड कर सकते हैं। एक टाइम था जिस टाइम पे मैं एक कंपनी में काम करता था, फ्रंट रो नाम का, उसमें मैं कोचिंग करवाता था, और जब मैं करवाता था तो मुझे पता चल रहा था कि जो अंडरडॉग्स है या फिर अंडरगॉड्स है उनके दिल में कितने सारे क्वेश्चंस रहते हैं जो कि शायद वो पूछ ही नहीं पाते किसी से, और शायद वो सारे चीज़ें जो है वो वीडियोस में भी कवर नहीं होते। अभी के टाइम में वीडियोस में कवर किया जाता है कि ये ड्रिल करो वो हो जाएगा, वो ड्रिल करो वो हो जाएगा, थोड़े बहुत थॉट प्रोसेस भी चेंज किया जाता है, बट पर्सनलाइज्ड चीज़ें कि आपको स्पेसिफिकली क्या प्रॉब्लम है वो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए अभी आज के दिन में कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप एक कोच को सबसे पहले अफोर्ड कीजिए, एनालिस्ट से भी पहले, क्योंकि वो जो कोच है वो आपको थोड़ा बहुत एनालिसिस भी दे देंगे, आपका ड्रॉप लोकेशन से लेके स्टार्ट करके ये सब कुछ वो आपको बता देंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आज मैं क्लियर कर पाया हूँ इस वीडियो के दौरान कि आप लोगों को पहली बात तो कोच और एनालिस्ट का दोनों का रोल क्या होता है, एंड उसके साथ एज अ अंडरडॉग अगर आप अफोर्ड कर पाते हो तो सबसे पहले किन को लेना चाहिए, कोच को या फिर एनालिस्ट को। तो जी हाँ गाइस, आज का वीडियो इतना ही, अगर अच्छा लगा है सो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम लोग फिर से आएंगे ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो को लेके, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय एंड सायोनारा।